दोस्तों आप प्ले स्टोर को जब भी ओपन करते हैं और वहाँ पे कोई आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आप उस ऐप की रेटिंग के बारे में ज़रूर देखते होंगे और साथ ही उसका रिव्यू आप देखते होंगे। दोस्तों उसी से पता चलता है कि ये ऐप कितना बढ़िया है और इसका लोगों में रिस्पॉन्स क्या है। तो दोस्तों अगर आप किसी ऐप को डाउनलोड किए हैं और उसको आप रेटिंग देना चाहते हैं या फिर आप उसका रिव्यू देना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप कम्प्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों इसके लिए हम ओपन करते हैं प्ले स्टोर को और प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद मैं एक ऐप को रिव्यू करना चाहता हूं, एक ऐप को रिव्यू देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं फेसबुक को रिव्यू देना चाहता हूं। तो यहां पे क्लिक कर देने के बाद मैं फेसबुक को सर्च कर लूंगा और यहां पे क्लिक करूंगा और यहां पे दोस्तों देखिए कि यहां पे इसका 4.1 का रेटिंग मिला हुआ है और अब तक 16 मिलियन लोगों ने इसे रिव्यू दे चुका है। और अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा तो इसका रिव्यू आपको यहाँ पे दिखलाई देगा। जैसे ये रिव्यू है और ये है, इसी तरह से और भी है। तो अगर आप इसे रिव्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रेटिंग देना होगा। मैं यहाँ पे 4 रेटिंग इसे दे देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना होता है, इस ऐप की कमियाँ और खूबियाँ आपको बताना होता है। जैसे यहाँ पे मैं इस ऐप के बारे में कुछ टाइप किया हूँ, आपके केस में ये अलग हो सकता है। और इसके बाद अगर आप इसका यहाँ से रेटिंग कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शनल रहता है, आप अपने अनुसार से इसे यस नो कर सकते हैं। और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा पोस्ट पे यहाँ पे, तो अब आपका रिव्यू गूगल प्ले स्टोर पर शेयर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।